जिसका काम उसी को साझे। आयन के मुताबिक जो करने आए थे वो नहीं करेंगे। हाँ, गैर आयनी काम जो मर्जी करा लें। इलेक्शन कराने की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत का एक और कारनामा सामने आ गया। आवाम महंगाई से डिफॉल्ट हो गए, मगर कर्जे पर चलने वाले हुक्मरानों ने ब्यूरोक्रेसी को खास तोहफा देने की तैयारी कर ली। 2,333 मिलियन रुपए जारी भी कर दिए गए। निगरान पंजाब हुकूमत ने सूबे की ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। जराए के मुताबिक एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल को नई गाड़ियां मिलेंगी। निगरान हुकूमत के इकदाम पर अवाम सीख पा हो गए, जिनका कहना है कि एक तरफ तो मुआशी हालात खराब और अवाम से कुर्बानी देने को कहा जाता है, कभी बिजली महंगी की जाती है तो कभी नाजायज टैक्सेस की भरमार होती है, मगर दूसरी जानिब अपने साथ साथ ब्यूरोक्रेसी को भी अय्याशियां कराई जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक हर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर के लिए डबल कैबिन भी आएगी, जबकि उनके पास पहले से मौजूद गाड़ियां तहसीलदारों को दे दी जाएंगी। गाड़ियां खरीदने के लिए तकरीबन 2.25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।